और आपको हम दिखाते हैं इसमें धुआं कितना दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा गैपिंग है, इसी की वजह से धुआं देना शुरू हो जाता है। भाई ने सच कहा था कि 200 में गाड़ी का धुआं देना बंद होगा। हेलो दोस्तों, आज है हीरो का पैशन प्रो मेरे पास और हमने एक वीडियो बनाया था धुआं से रिलेटेड, जो कि मात्र 200 में गाड़ी का धुआं देना बंद करे। वही वीडियो इन्होंने देखा और बहुत अच्छा उस वीडियो से रिस्पॉन्स भी मिला था और बहुत सारा कमेंट भी आया था कि वीडियो फेक है। तो इन्होंने मेरा वीडियो देख के फिर आए हैं और आप देख सकते हैं इनकी गाड़ी में कितना धुआं दे रहा है। अभी हम इनकी गाड़ी का धुआं देना बंद करेंगे। तो चलिए गाड़ी को हम कर लेते हैं स्टार्ट। ये हो गया हमारी स्टार्ट गाड़ी और आपको हम दिखाते हैं इसमें धुआं कितना दे रहा है। तो जैसा कि भाई आप देख सकते हैं इनकी गाड़ी कितना बहुत ही ज़्यादा धुआं दे रहा है। तो ये आए हैं वहाँ से, तो इनसे हम आपको मिलवाते हैं, इनका क्या कहना है। हाय दोस्तों, भाई का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, मात्र 200 में गाड़ी का धुआं देना बंद। हमारा गाड़ी बहुत धुआं दे रहा था, बहुत ज़्यादा, इसलिए भाई के पास आए। भाई वीडियो देख के देखते हैं आज भाई हमारा गाड़ी का धुआं देना बंद 200 में कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि हमने इनसे मिलवा भी दिया है आपको, तो चलिए हम आप गाड़ी की तरफ चलते हैं और गाड़ी को धुआं देना बंद करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गाड़ी को खोलते हैं। सबसे पहले इस बम्पर को खोलेंगे, फिर इसका टूल बॉक्स है उसको खोलेंगे, फिर जाके ये हाफ इंजन खुलेगा, हेड और ब्लॉक दोनों खुलेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बोरेटर में 2 8 नंबर की बोल्ट रहते हैं यहाँ पर, और 4 बोल्ट यहाँ पर रहते हैं जो कि टॉप पे है, और यहाँ पर 1 5 नंबर लंग की और यहाँ पर है, और यहाँ पर 8 नंबर की 2 बोल्ट है। तो चलिए फाइनली हमने सबको ढीला कर लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको दिखाने के लिए सिर्फ हमने इसको शॉर्ट में करना है। तो फाइनली हमारा हेड जो है वो खुल चुका है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना सारा मोबिल आया हुआ, बहुत सारा मोबिल आया हुआ है जो कि, और इस पर ये भी आप देख सकते हैं, ये है इसका डस्ट, आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर कार्बन बैठा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्लग जो है इसका फोड़ के लगाया हुआ है ताकि प्लग जल्दी शॉर्ट ना हो, क्योंकि जब धुआं देता है तो प्लग, इस प्लग पर मोबिल आता है तो प्लग शॉर्ट कर जाता है, तो यहाँ पर इसने प्लग को फोड़ के लगाए हुए थे, कहीं भी लगवाए होंगे। तो चलिए अब हम हेड की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉक, यह है ब्लॉक इसका, अब हमें ब्लॉक को खोलना है। तो फाइनली हमारा ब्लॉक जो है, ब्लॉक भी निकल चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लॉक बिल्कुल भी सही है, इसमें कहीं भी दाग नहीं है। अगर जो दाग होता तो इसको बोर करवाना ज़रूरी होता, अगर जो दाग रहता है तो रिंग काम नहीं करता है, इसमें गड्ढापन आ जाता है। तो इसमें दाग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें रिंग डालने से काम चल जाएगा। तो चलिए, और ये रहा इसका पिस्टन, अभी हम इसको भी खोलेंगे और देखेंगे कितने नंबर का पिस्टन है। अभी हम इसको निकालेंगे इससे और उसके बाद देखेंगे कितने नंबर का पिस्टन है, उसके बाद हम लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं फाइनली हमने पिस्टन को निकाल लिया और ये रिंग को भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कितना कटा हुआ था। तो इसमें हम गैपिंग चेक करेंगे, पहले इस रिंग को हम ऐसे करके इसमें ऐसे डालेंगे और फिर जाके इस पिस्टन को ऐसे डालना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा गैपिंग है, इसी की वजह से धुआं देना शुरू हो जाता है, और रिंग में जो है टेम्पर ख़त्म हो जाने के कारण ये सही ढंग से कंप्रेसर नहीं बना पाता, मोबिल को रोक नहीं पाता है। तो ये है मेरे पास XCH का रिंग, ये हमारे पास नया रिंग 25 नंबर का है। अब हम इसको निकालते हैं और आपको लगाते हैं, दिखाएंगे। ये हमारा निकल गया है रिंग, इसमें टोटल 5 रिंग रहते हैं, और रिंग कैसे डाला जाता है उसका डिटेल्स वीडियो हमने बना रखा है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। आपको अगर जो रिंग डालने में किसी भी तरह का समस्या या किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो आप वहां से जाके रिंग डालने का तरीका आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिंग डाला जाता है, वहां से आपको डिटेल्स में मिल जाएगा।
तो फाइनली हमारा जो है रिंग में पिस्टन डाल दिया है और हम इसे अब सेट करते हैं ब्लॉक में डाल के। तो हमें इसमें एक लॉक रहता है, इस लॉक को लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा कपड़ा को डाल देंगे ताकि सेफ्टी के लिए अंदर ना जाए लॉक। लॉक अंदर चला जाएगा तो फिर खोलना पड़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कपड़ा रख के इस तरह से लॉक को लगाना है। तो फाइनली हमारा लॉक जो है बैठ चुका है, तो हम इसे अच्छे से बैठा लेते हैं। तो उसके बाद इस टाइमिंग चैन को स्पार कर देना है ऐसे। अब देख सकते हैं हमने इसे भी ऐसे कर लिया और इसमें एक रोलर है, इस रोलर को भी हम लगा लेते हैं। और ये है इसका रोलर बोल्ट। तो फाइनली हमारा ब्लॉक जो है इसमें बैठ चुका है। अब हम इसे कर लेते हैं पिस्टन को टॉप पे। तो हमारा जो ये पिस्टन है इसको टॉप पे लाना है, तब रहेगा ये टाइमिंग में। तो फाइनली हमारा पिस्टन भी टॉप पे आ गया। तो ये है हेड गैस्केट, ये हम इसको लगाएंगे। फाइनली हमारा हेड गैस्केट भी बैठ चुका है। तो फाइनली हमने हेड को चेक कर लिया, यहाँ से बल्ब लीकेज वकेज तो नहीं है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद अब हम इसमें लगाते हैं। यहाँ देख सकते हैं गैस्केट भी इसमें लगा दिए हैं। अब लगाते हैं हेड को। तो फाइनली हमारा हेड जो है इसमें बैठ चुका है। चलिए सब सारा नट बोल्ट को पैकिंग को, यहाँ पर जो नट बोल्ट रहता है इसका पैकिंग रहता है, उस सबको हम फिट करते हैं आपको। तो यहाँ पर जो चार बोल्ट नट हैं सबको डेढ़िया करके टाइट करना है एक बराबर से। तेल बंद कर दीजिएगा। अच्छा, तो फ्रेंड चलिए हमने आपको दिखाया है कि हमने काम किया है, जैसे बताया था उसी तरीके से हमने काम किया है। तो चलिए अब मिल लेते हैं इनसे, इनका काम हुआ है कि नहीं हुआ, आप खुद इनसे जान लीजिए। जी दोस्तों, हमारा जैसे कि आपको हम दिखाए थे पहले कि हमारा गाड़ी कितना धुआं दे रहा था, अब फाइनली हमारा गाड़ी बन चुका है एकदम बिल्कुल जीरो की जीरो, एकदम धुआं फेंकने लगा है। फाइनली 200 में भाई ने सच कहा था कि 200 में गाड़ी की धुआं देना बंद होगा, फाइनली बंद हो चुका है। अब देख सकते हैं फिर से स्टार्ट करके हम देख रहे हैं अभी धुआँ दे रहा है या बंद होता है, देखते हैं। फाइनली धुआं बंद हो चुका है, देख लिए आप लोग भी। वीडियो लाइक करें, दोस्तों फॉलो करें और हमारे भाई के चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप भी बेगूसराय के आसपास में हैं तो आ सकते हैं हमारे भाई की दुकान पे, हरदिया ढाला बेगूसराय।